लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के धोखे से, तुझको अपने देख ली ठह गई अम्मा सोनी, ठह गई ओ ठह गई अम्मा सोनी, ओ ठह गई अम्मा सोनी, चल। माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों, बकरियां माशाल्लाह देखें राज गई हैं। इनको आज हमने शहतूत खिलाया है, खिलाया और अभी जो है ना बेगम साहिबा बर्तन धो रही है, लेकिन उसके साथ साथ पता नहीं क्या हो गया रो रही है, बड़ी रो रही है आज बर्तन रो रही हो। हाँ जी रो ना करो है उजमा। वाह भाई वाह, देखा वन नवे किचन है क्या पकदा पे वन, देखा आ सोना वाह, ता इफ्तिताह कीती बेटी किचन दी माशाल्लाह। जो है ना वैसे कल से रेसिपी बना रहे हैं। हां तो कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत सिया ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारा सुबह का भी लोग स्टार्ट हो चुका है। तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ज़रूर करने हैं, वीडियो को जी एंड तक ज़रूर देखना है। और माशाल्लाह आज जो है ना स्मोग बना हुआ है, धूप बिल्कुल जो है ना हल्की हल्की है, ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है और मौसम ऐसे बना हुआ है कि बंदा अगर बैठ जाए या सो जाए तो बुखार आना लाजमी है। बुखार वाला मौसम बना हुआ है और धूप बिल्कुल नहीं है, सर्दियों की लगता है इफ्तिताह हो चुकी है क्योंकि 11वां महीना जो है वो शुरू होने वाला है कल परसों तक, तो इसी वजह से जो है ना सर्दियाँ आज से आ चुकी हैं। ठंडी ठंडी हवा घुली हुई है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। तो चलते हैं, बाकी जो घर की रूटीन है वो साहब बहन भाइयों को दिखाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम मेरा भिरा इमरान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, सही ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह किचन तैयार कर लिया है, माशाल्लाह काफी सारा बना लिया है, बस एक दो बार रहते हैं इसके, बस हाँ, बाकी फाइनल हो चुका है, ये एक बार दे दिया है। हाँ ये जो दे रहा हूँ। हाँ जी, और इसके बाद जो है ना दो बार और देंगे बस। वाह भाई वाह, वैसे तो काफी बड़ा बनाया हुआ है, यही भी बार बहुत ज्यादा थे हमारा, इतना है जितना ये बर्थी डालनी है ना इसमें। अच्छा तो ये जो है ना यहाँ तक बर्थी आ जाएगी। हाँ फिर बैठेंगे तो छोटे बन जाएंगे ना दीवार, ये जो जिक्की जगह है ना यहाँ तो बड़ा लग रहा है, वहाँ से अंदर जो मिट्टी डालेंगे तो छोटा हो जाएगा। सही है, खाना पकाना शुरू कर दिया है इसमें। हाँ चोल नवी लाओ ना, नवी चोल लाओ, सोना ले आएंगे यार, नवी चोल लाओगे। हाँ। ये अंदर से लिपाई करो ना, ये पहले काम कर लें दीवार। हाँ। कोई लिपाई करेंगे सारा, कोई ये फाइनल हो जाएगा, इसमें मिट्टी डालेंगे और सही है, मिट्टी डाल के बाद में जो है ना लिपाई वगैरह करेंगे। इसके बाहर जैसे ये मिट्टी पड़ी हुई ना। हाँ। इसके बराबर ऐसे टोर टाइम मिट्टी डालनी है। सही है, मजबूत कर रहे हैं, मजबूत काम कर रहे हैं, तकड़े मिस्त्री हो यार आप तो। हाँ जी जुलदे पे ऐसे सही, अंदर ना पाओ मेरे सोनिया, तालीम पे आप है। जैन खान क्या हाल है, सोना सामाल। वालेकुम सलाम, ठीक हो, तबीयत सही नहीं लग रही, लेंग क्यों तपिया बदन तेरे, हाथ क्यों तपिया बदन, बुखार है यार, बुखार है, सर्दी लगी हुई है। अच्छा सुत्ता हो से, रतों का बुखार है, रतों का मौसम ही हो जाता है खड़े ना, नजला जुकाम बुखार या सिया बुखार जिसे कहते हैं ना सर्दी। हाँ सिया, एच फॉर हैन सिया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सी तेको तंदुरुस्ती देवे है, बंदा तू काम दही ठीक है, बहु काम के बंदे हो, बहु काम के ठीक है। अब अम्मा जो है ना इधर देखें, वाह जी वाह बड़ी यार, मैं तो आपको दिखाता हूँ प्यारे बहन भाइयों, अम्मी का कमरा वाह जी वाह। दिल तो कह रहा है कि इसमें फरूक जो है ना कब्जा कर ले, इस कमरे को फरूक कब्जा कर ले, और अम्मी मेरी जो है ना लिपाई कर रही है, गुफ्तगु आपसे करवाते हैं उनकी ठीक है। ये देखो पेटियां शेटियां संदूक का ऐसा कमरा बनाया हुआ है कि दिल ठर रहा है, ठर रहा है, दिल चिट्टा चिट्टा खीर कर दिया है कमरा। प्यारे बहन भाइयों आज आपको मजे की बात बताता हूँ, आज अम्मी जैसे बनी हुई है ना तो मुझे मेरा जो है ना गाना आखने को दिल कर रहा है, आपको दिखाते हैं आज तो बड़ी स्टाइलिश। वाह भाई वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सोनी, सोनी ये क्या लाल दुपट्टा, वाह जी वाह, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के धोखे से,
तुझको अपने देख लिया है तो कैसे मना के मेरे को दिल दे से तू मगर मेरी जान ले से तू। देखे जी अम्मी जान जो है ना रत्ता दुपट्टा पाके ताल ले रही हो। हाँ जी कमरे की सफाई कर रही हूँ सर जान जा पर ये अपना बड़ा जोर सुथरा साफ कार कर रही थे वाली दे पाए सुनसा। अम्मी जान तेरे कमरे को देख कर ना मेरा दिल बेईमान हो रहा है। क्यों बेली ऐसे हो रहा है कि मैं आपके कमरे पे कब्जा कर लूं। आपने इतना चिट्टा बना दिया कमरे को इतना चिट्टा बना दिया ना कि मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं कब्जा कर लूं। हां जी कर लो तू संभाल लो बहो आवे एडू वाला ते कोई गाल दसा नानी तेरी ओरे आज कुंवार बनी बैठी है। देखने आ गए कशप तेरी दादो कुंवार बन गई उड़े जावा जोरते वाला ओलंपिया पे हाली कशाफ तेरी दादी कुआर बन गई कुआर बड़ी बेटी है। वाह भाई वाह ना ये रत्ता बोचन किधर से आया ए मैं दी जनन शादी थे ते मेरे लावे का सूट है उनके नाक का बोचन। अम्मी जान आप बहुत फनी हो ये सूट आज बोचन ये क्यों पहना हुआ है मैं को आकर शादी जो थुंदी है सुथरे कपड़े गिनदे ना उधर ना जाओ सोनी ई वास्ते जो पहली पमाई देन दुल्हन को और तेरी शादी अभी तो नहीं हुई दादे जा तेरी शादी को तो तकरीबन 50 साल हो गया 50 साल दी मैं हां शादी को अब तेरे दादे 30 साल थे गए 30 साल हो गए ना। हां जी 20 साल दी थी जब शादी की थी। हां 30 साल 20 साल की थी ना 30 साल थी सर शादी को तो 30 साल हो गए आप 20 साल की थी जब शादी किया था नहीं 16 साल की हम 16 साल की कुड़ी मेरी शादी थी मैं 16 साल की हम आप 16 साल की कुड़ी थी। हां जी वाह 16 साल की हम तो मेरी शादी थी। वाह भाई वाह वाह भाई वाह तो आज ताल लैंप के आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है हैं ये बोछा नहीं उतारना ये मिट्टी थी वैसे बड़ा सोना लग रहा है ये देखें ये देखें ओए ये की कढ़ाई 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 सोना लग रहा है अम्मी मेरी ये नहीं उतारना ठीक है ए भी तेरी दुल्हन को ही हो जा पवाए मेरी दुल्हन हां उनको भी हो जा पवाए वो तो पवाया था आपने लेकिन आपको ये ना अब कौन सी जवानी आ गई कि आपने रत्ता सूट रत्ता बोचा बस और छोकरा थी के था मेरा वो पोतरा हूं क्या दादी जानते को मैं देखता कैसा लगता है तेरा पोतरा कौन है जैन बेटा उन्होंने पहनाया है कुछ देता प्यार अच्छा हेलो आपको रोक रही है उधर नहीं जाना फिर भजते हो उधर फिर रोकती है फिर भजते हो उधर वो अभी लिपाई हो रहा है ले पाव दा फटे रे हां लिया तक सोचे ही को हां चलो ठीक है अम्मी जान। हां जी ओके हो गया माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों बकरियां माशाल्लाह देखें राज गई हैं इनको आज हमने शहतूत खिलाया है खिलाया है बस 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लैला भी राज गया और गायें भी चारा खा रही हैं और ये काम जो है ना हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया है ताकि चारा भी ले आए हैं एक गंडड़ी काट दी है एक गंडड़ी मशीन के साथ पड़ी हुई है और अभी जो है ना बेगम साहिबा बर्तन धो रही है लेकिन उसके साथ साथ पता नहीं क्या हो गया रो रही है बड़ी रो रही है आज बर्तन धो रही है पर रो रही है समझ नहीं लग रही। ये देखें बर्तन धुलाई करके फिर रो रही है। हाँ जी ये जो लिपाई का काम है ना हाँ ये तो हम लोग बदली कर देते हैं। रो रही हो? हाँ जी रो ना करो हैं क्योंकि ये ले पानी मुकता है पता नहीं कहां ना करो ना रो क्यों रही हो ना करो क्यों कुछ ऐसे गंदे लगते हैं कुछ नए बने हुए और कुछ ना ऐसे खोलो फिर ऐसे है ना एक तो आप एक तो रोवो ना पहला ये है और दूसरा ये है कि अगर काम करना है तो फिर रोती क्यों हो अगर नहीं करना तो फिर ना करो अगर करना है तो फिर ना रोवो ना करेंगे तो कहेंगे साहब बहन भाई ये किजड़े लोग का ये काम किजड़े करते हो रही है किजड़े लोग हां जी किजड़े क्या होता है किजड़े लोग
जो चूड़े कहते हैं अगर घर की सफाई ना करे तो फिर कहेंगे ये किजड़े लोग हैं, फिर कहेंगे ये किजड़े लोग हैं ना। हाँ, सफाई तो निस्फ ईमान है, सफाई करनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, सलाम कर दो साहब बहन भाई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बाकी घर में चल ठीक है। हमारे शाम का व्लॉग आज का स्टार स्टार व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच सके। वीडियो को फुल वॉच करें और आगे शेयर भी करना है। वीडियो को फुल वॉच करें, आगे शेयर करें, कॉमेंट करें अच्छे अच्छे, और जो न्यू बहन भाई है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को अंगूठे से दबा देना है, जब तक वो ब्लैक कलर का ना हो तब तक आपने नहीं छोड़ना है, ऑल टू कलेक्ट करना है, ठीक है ना। ऐसे होता है ना? हाँ जी, पढ़ी लिखी हैं आप, आपसे पूछ रहा हूँ ना, ऐसे होता है ना? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने एक भी नहीं पढ़ा है। एक नहीं पढ़ा? हाँ जी। वाह, जब मुझसे रिश्ता हो रहा था तो कह रहे थे कि हमारी बेटी जो है ना मिडल पढ़ी हुई है, मिडल। जब एक बार स्कूल में भी नहीं गए तो कैसे मैं पढ़ूं? मेरे साथ थे, धोखा हो गया है ना। ना तो बस कुछ पढ़े हुए, लेकिन तुम भी इतना फुल नहीं पढ़े हैं, लेकिन फुल पढ़ा हुआ होता तो फिर नौकरी ना होती, नौकरी नहीं लगती ना, कितने फुल पढ़े हुए बदे हैं। लेकिन ये है कि जितना पढ़ाई पे खर्चा होता है उससे ज्यादा फिर नौकरी लगवाने वो पे, तो गरीब लोग ना नहीं कर सकते। गरीब लोग पढ़े तो किसी काम का नहीं, हाँ ना पढ़े तो उससे भी ज्यादा किसी काम का नहीं। हाँ जी, ठीक है ना। ये तो हमारे मुल्क सोने पाकिस्तान के हालात हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक रहम करे, ठीक है ना, हमारे पाकिस्तान पर और हम गरीबों पर अल्लाह पाक खास रहम फरमाए। हाँ जी, क्योंकि ठीक है ना, हमारे गरीब लोग तो का हाल है ना, गरीब लोग तो जो है ना वो बिल्कुल जमीन से नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, बर्तन धोवो फिर, क्या काम करती रहो ना, टाइम चोखा बच गया है, रात के 9 बजे खाना खिलाने का मूड है। आज ना आज आलू पालक ले आया हूँ, आलू पालक रात के 10 बजे खाना, आज मैं आलू पालक ले आया हूँ ना, आलू पालक ले आया था, रात के 10 बजे इंतजार करना खाने का पूरे। जी। चलो जी, हमें क्या है, हम मैं देख रहा हूँ सड़क पे दही बल्ले वाला आ रहेगा, उनसे खा लूंगा। आप खा लोगे तो हम भी खा लेंगे। फिर ना बनाओ, जब आप खा लोगी मैं भी खा लूंगा। अब माँ बाप जब तुझे मारेंगे फिर पता लगेगा। जी। वो कहेंगे आप दोनों ने खा लिया तो हमारे लिए कौन बनाएगा। सही है ना, वो तो बनवाएगी ना, उनको तो दे रहा है ना। सही बात है, भूखे तो नहीं सोएंगे। सही बात है, सही बात। प्यारे बहन भाइयों, ठह गई अम्मा सोनी, ठह गई अम्मा, ओ ठह गई अम्मा सोनी, ओ ठह गई अम्मा सोनी, क्या हो गया सोनी सावा, क्या हो गया? पानी सटू ओ पिलाऊं कैसे ना होए ना, मुझे ये बताओ किधर गए? मैं जुएर का देख रहा हूँ, नहीं थे सोनी, क्या था इको थक गए, वजन था, किधर गए थे? हर दाल काटने गए थे। हर दाल काटने? ओए होए होए, किधर से? और अकमल के उधर गए थे। मैंने कहा इतना देर हो गई है आए क्यों नहीं, आप उधर गए थे? वाह, बताती हम ले जाते एक घंटा बस। हैं हैं, जवान पर नहीं है, होश नहीं है अब, अभी तक जैन खान होश में नहीं है अभी तक। पानी पिला, पानी भरा, पानी आ देखा, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना कहती है, पानी नहीं पीना। चलो अल्लाह खैर करे, नवे किचन दे विच देखदे पियो, नवे किचन दे विच क्या पकदा पै है। अलीदा अलीदा है तेरा ना उजमा, वाह भाई वाह, देखा वन नवे किचन है क्या पकदा पै वन देखा। वाह सोना वाह, ता इफ्तिताह कीती बेटी किचन दी, माशाल्लाह। जो है ना वैसे काल से रेसिपी बना रहे हैं, हाँ। तो काल से काम भी शुरू है, किचन की दीवारें काल को दी थी, कंप्लीट तो नहीं हुई थी, हाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, हाँ। बाकी इसकी लिपाई वगैरह है, गारा काल बना के देंगे। डिजाइन डिजाइन नहीं देना, डिजाइन यार वो डिजाइन बनता है अगर ईंटें पक्की हों तो, और ये हमारी कच्ची ईंटें हैं, हाँ ये कच्ची ईंटें हैं, उसके बाद जो है ना ये टोटे हैं,
मुकम्मल बड़ी ईटे पड़ी है इधर, मैंने देखा है वहाँ से ले आया यही लगी है बस। और बाकी कचरा पड़ा है हो गया सारी, टोटे पड़े हुए हैं, टोटे से पड़े हुए हैं जो थी वो हम ले आया है। तो ऐसे जो है ना बना के इसको लिपाई करके इसके ऊपर ना वो बुमड़े बना देंगे। सही है, पुराने जमाने का नक्शा डिजाइन है। सही है। और चलते पे हैं बेगम साहिबा कने क्योंकि वो देखो क्या करें नहीं पिए कट्टे कैंसी कट्टिया सब्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंखें क्यों नुटी हुई हैं? ये प्याज का ना धुआं आ गया है। धुआं आ गया है? हाँ जी। अम्मी मेरी बेहोश हो गई है, उनका पता है तुझको? हाँ, मुझे मैंने कहा शायद इधर से नजदीक गए हैं उधर गए थे वो ना अपने मामू भाई अकमल के पास गए, मामू अकमल के हरदाल काटने गए थे। हाँ जी। फिर बेहोश पड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि सफर पानी मैंने है पूछा है तो कहती है कि पानी नहीं पीना अभी पगहर आया हुआ है। मैंने कहा बता देती हम ले जाते। आप घर नहीं थे इसलिए? घर तो था, मुझे क्या पता किधर काटने गए। ये देखिए जी आज की हमारी शानदार रेसिपी, शानदार आलू और पालक। आलू पालक खंदे रहने वे हैं? अलाती नहीं हो? उधर गुलाम हुसैन के व्लॉग में तो अला रही होती है ना। हाँ जी। असल में शर्म आपका व्लॉग है ना वो शर्म करती है। हाँ सही है, हमारा व्लॉग ऐसा कुछ फनी होता है ना। जी तो प्यारे बहन भाइयों अंधेरा जो है ना जैसा कि आपको दिखाया है अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है और जा रहे हैं किचन में देखते हैं कि क्या पक रहा है। सोनी भी जा रही है नाल नाल। सोनी क्या लेने आई हुई है? उनेदा क्या क्या गिंदे बदो? रोटी खाओगी? अभी तो सालन बन रहा है, अभी तो रोटी नहीं पकी है, रोटी खाओगी? माशाल्लाह जी भुनाई हो रहे हैं आलू पालक आज बनाना है, भुनाई का काम जो है ना स्टार्ट हो चुका है। ये क्यों हंस रही है? इधर ये देर बार रोएगी है ना, इस टाइम को आती है हंसती है पहले फिर लग जाती है रोना। दूध का टाइम होने वाला है ना। हाँ ये बड़ी चलाक है और ये भी बड़ी चलाक है। तू चलाक है? वाह भाई वाह, उनेदा को देखो। वाह भाई वाह, हंसती है माशाल्लाह जी। ये देखें ये हमारे आलू पालक, आज बेगम साहिबा ने फरमाइश की थी कि आलू पालक जो है ना ले आओ, तो इसी वजह से आज आलू पालक ले आया। और जैसा कि शाम काफ़ी हो चुकी है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।